अस्सलाम वालेकुम, अताफी चौधरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रबरु से ते डांग ना मारे मत कवली दे, ये बाबा बुले शाह का कलाम है कि अल्लाह ताला जब नाराज होते हैं ना तो वो आके सर पे सोटे डांग सोटे नहीं मारते, बल्कि तौबा अस्तगफुरुल्लाह अकल ही उल्टी आ जाती है और वो उसका नतीजा, उसकी वजह भी हम खुद ही होते हैं, हमारे अपने अमाल होते हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि हमें क्यों ये जो डॉलर का डिफरेंस है ओपन मार्केट का और जो स्मगलिंग हम नहीं रोक पा रहे। और मुझे ज्यादा दुख इस बात का है कि अब से थोड़ी देर पहले बैठा मैं फिर एक इंटरव्यू देख रहा था शब्बर जैदी साहब का, आज से तीन साल पहले का शब्बर जैदी साहब का ARY के ऊपर, और उसके ऊपर वो अफगान ट्रांजिट समेत और स्मगलिंग अफगानिस्तान के साथ जो हमारे बॉर्डर के मसाइल हैं उसके ऊपर इतनी खुल के बात करें। और फिर मैं हैरान ये हुआ कि डेट मैंने देखी तो 3 साल पुरानी थी। अब 3 साल में यानी कि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हैं, सिर्फ हल, मसला हल क्यों नहीं होता? मतलब फिर ये भी नहीं है कि एक मैं ऑनेस्टली आपको दिल की बात बता रहा हूं कि इसमें कोई गवर्नमेंट में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि ये जिसका इसमें फायदा है। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहां पे ये नहीं है, प्रॉब्लम जो मेरी नजर में है वो कराची से लेकर के तमाम कलेक्ट्रेट, तमाम डायरेक्टरेट, तमाम INDI, तमाम FBR के अदारे, तमाम कस्टम के अदारे, तमाम मोटरवे पुलिस, ये पूरी एक पट्टी है। ये पूरा ये आप देखेंगे ना तो पिछले 5-7 साल 8 साल में वही लोगों की पोस्टिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। सर इनको चेंज करें, ये आप बदलेंगे तो कुछ बदलेगा? आप जितनी मर्जी पॉलिसी ले आए जब तक आप फील्ड फोर्स नहीं बदलेंगे कुछ नहीं होगा। आप कलेक्ट्रेट जाकर के देखें अकेले अकेले, आप अपनी एजेंसी से वेरीफाई करें। मैं बुरा तो बहुत लगूंगा उन लोगों को, लेकिन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बराए मेहरबानी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, अपने फाइनेंस मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी फरमाइए, जब तक आप ये सारी पट्टी जो कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड में यूज होती है अफगानिस्तान बॉर्डर से लेकर के कराची तक, पिशावर, ये सारा ये जो मेन एरिया है सारा स्मगलिंग रूट जो है, सर ये मेहरबानी फरमाए हर महकमे का हर बड़ा बंदा चेंज करें। फ्लो ऊपर से नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले चेंज करें। ऊपर वाले ऊपर से नीचे ट्रांसफर होता है और ये हो रहा है, इसीलिए आपसे काबू नहीं हो पाता, डॉलर बच जाएगा। जब तक आपने नहीं करना मेहरबानी फरमाएं, आप यकीन करें कि सारा डॉलर बाहर जा रहा है हमारा। या तो फिर आप एटलीस्ट ये नहीं कर सकते इनको तो बराबर ही कर दें, ओपन मार्केट का इसका फर्क ही कम कर दें ताकि ये स्मगलिंग तो कम हो। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।